बांदा पहुंचे असदुद्दीन ओवैसी ने किया जनता को संबोधित। बांदा पहुंचे ओवैसी ने कहा कि बुंदेलखंड से बीजेपी का सफाया होगा। बीजेपी के लोग मुझको तालिबानी कहते हैं, पर मैं जमहूरियत पर विश्वास करता हूं। बाबू सिंह कुशवाहा के साथ जुड़े पिछड़े लोगों का बहुत उत्पीड़न हुआ। इस मौके पर ओवैसी ने जमकर बीजेपी सपा पर हमला बोला और कहा कि उत्तर प्रदेश की सरकार नौजवान रात दिन मेहनत करके पढ़ता है और जब वह पेपर देने जाता है तो पेपर लीक कर दिया जाता है। उस बच्चे पर क्या गुजरती होगी जो रात भर जाकर पेपर देने जाता है, लखनऊ में रात भर खुले आसमान के नीचे पढ़ा रहता है और बाद में पता चलता है कि पेपर लीक हो गया है। अर्जुन सहायक प्रोजेक्ट जिसका प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया, लेकिन अब से बीजेपी ने धोखा किया है। उसका पूरा पानी महोबा और हमीरपुर को मिलेगा, उसका पानी बांदा में नहीं आएगा। अल्पसंख्यक समाजवादी पार्टी तमाम पार्टियों के पैरों का फुटबॉल बनकर रहेंगे, तभी भी अल्पसंख्यकों को इन लोगों से फायदा नहीं हुआ। बीजेपी को सरकार बनाया, बीजेपी ने आप से कहा था कि हिंदुत्व के नाम पर वोट दो और आप उनकी बात पर आ गए, आपको राज मिला और ठाकुर बाद मिला। ओवैसी ने कहा कि अगर आप अपना नेता नहीं बनाएंगे तो ये मत समझना कि कोई आसमान से उतर कर आएगा या फिर आपके आंसू पोंछेगा, लेकिन जमीनी हकीकत यही है कि जब तक आप अपने हाथों से अपना नेता नहीं बनाएंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। जिस समाज का नेता हुआ है उसी समाज के साथ इंसाफ होता है, जिसके पास नेता नहीं है उसकी कोई आवाज नहीं होती है। मुसलमानों से कहा गया कि तुम कठमूल्य हो, मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या आप कठमूल्य हैं? क्या तुम लोग इंसान नहीं हो? क्या तुम्हारे कोई जज्बात नहीं है? तो उसे कब दिखाओगे? अगर जिंदा हो तो जिंदगी का सबूत दो और अगर जिंदा हो तो अपने हक के लिए वोट दो। हाँ, अगर तुम कमजोर हो तो फिर इसी तरह पैर की फुटबॉल बने रहो। मैं जिंदा रहूं या ना रहूं, 5 साल के बाद जो बच्चियां और बच्चे वे हैं तुमसे आंख में आंख मिलाकर पूछेंगे कि मेरे स्कूल का क्या हुआ, मुझे क्यों जेल में डाला गया, क्यों मुझे बराबरी का हिस्सा नहीं मिला, तो आप क्या जवाब दोगे? बाबा बुलडोजर चलाने की बात करते हैं पर किसान को खाद नहीं मिल रहा है, तो बाबा बोलेंगे कि उसकी फिक्र मत करो, मुगलों को हराना है। इन सरकारों में आपको जो मुकाम मिलना था वह नहीं मिला, आपको शिक्षा नहीं मिली, आपको बराबर का हक नहीं मिला, जो दूसरों को मिला वे आपको नहीं मिला, आपको ठेकेदारी में भी हक नहीं मिला, पुलिस के जुर्म का शिकार आप और कमजोर लोग ही होते हैं। कहते हैं कि हमने क्रिमिनल को खत्म कर दिया, लेकिन जो समाज के सबसे कमजोर लोग हैं उन पर जुल्म और ज्यादती की गई। सपा और बीजेपी के लोग उन लोगों को कुचलने का काम किया है। ओवैसी ने कहा कि अगर प्रधानमंत्री को इतना ही मुस्लिम महिलाओं बेटियों से प्यार है तो क्यों नहीं बोल देते कि जाओ हिजाब पहनकर कर पढ़ो। प्रदेश के प्रधानमंत्री को यह पसंद नहीं है, ना बीजेपी को पसंद है। खबर जगत के लिए बांदा से दिलीप चैन की रिपोर्ट। सर, क्या कितनी सीटें पाएंगे उत्तर प्रदेश में आप? हम बराबर अच्छी सीट जीतेंगे और 19 सीट पूरे बीजेपी हारेगी। बाबू सिंह कुशवाहा मुख्यमंत्री बनेंगे, हमारा पहले से बेहतर परफॉर्मेंस होगा। सर, क्या मुद्दे होंगे उत्तर प्रदेश?